वेलकम फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग गियर ट्रेन की मोशन एनालिसिस करेंगे। पिछले सेशन तक हम लोगों ने गियर की डिजाइनिंग की थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे गियर की डिजाइनिंग की थी। भाई चलते हैं। सबसे पहले हमें एक बेस बनाने की जरूरत है, तो बेस के लिए हम बेस में मैं फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और स्केच के लिए यहाँ पे देता हूँ और यहाँ पे स्केच व्यू, यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया गया इस तरीके से और यहाँ पे इसकी डिस्टेंसेस मैं 400 कंसीडर कर रहा हूँ उसको। ये 400 बाय 300 का एक प्लेट है, इसको एक्सट्रूड करेंगे हम। 20 थिकनेस मान लीजिए इसका दे दे रहा हूँ, इसको करते हैं ओके। इसी प्लेट पे हमें गियर के लिए ये बनाने हैं, यहाँ पे हमने वहां पे उसकी जो होल रेडियस थी वो 40 रखी हुई थी, तो यहाँ पे भी हम इसकी 40 रेडियस रखेंगे। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि इसका डिस्टेंस कितना दिया जाए, तो इसके डिस्टेंस के लिए हमको पिच सर्कल डायमीटर चाहिए। पिच सर्कल डायमीटर तो वैसा मतलब इमेजिनरी सर्कल है, वहाँ पे दोनों गियर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम चलते हैं, पहले आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से पिच सर्कल डायमीटर आप पता करेंगे। तो यहाँ पे 60 यानी कि पिच सर्कल डायमीटर का आधा है 60 और यहाँ पे 100। ओके करके हम यहाँ पे इसके थिकनेस को देंगे, यानी कितना हाइट ऊपर की तरफ है ये इस तरीके से, और इसको ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये बेस तैयार हो चुका है, तो सेव करते हैं इसको डेस्कटॉप में। इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया हुआ है और देखिए कि किस तरीके से हम वहाँ पे पिच सर्कल को पता करते थे। तो मैंने यहाँ पे खोल लिया हुआ है जो पहले मैंने गियर बनाया हुआ था पार्ट 1। यहाँ पे आप टूल में जाएंगे और पैरामीटर्स में, यहाँ पे पिच सर्कल डायमीटर देखिए, यहाँ पे डी पिच सर्कल डायमीटर में लिया है 120 है, तो उसका आधा मैंने 60 लिया हुआ था। इसी तरीके से आप दोनों गियर का पिच सर्कल डायमीटर आप यहाँ पे नोट कर ले पहले ही, उसको ओके कर दें। चलते हैं फिर से पुराने वाले में, यहाँ पे हमने बेस तैयार किया हुआ था। अब इस बेस पे हम मैकेनिज्म यानी कि पहले इसकी असेंबली करेंगे, तो न्यू करते हैं यहाँ पे असेंबली मोड में, असेंबली टू यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ सारी डिजाइनिंग मिलीमीटर न्यूटन पर सेकंड में हुई है, तो यहाँ पे असेंबली भी उसी इंटरफेस में होगा। यहाँ पे हम इसको असेंबली के लिए बुलाते हैं, तो सबसे पहले हम बेस बुलाएंगे, तो जो मैंने बेस यहाँ पे अभी क्रिएट किया हुआ है उसे हम बुलाते हैं। यहाँ पे ये आ चुका है इस तरीके से, तो इसे हम कर लेंगे फिक्स। फिक्स कर लिए, फिक्स करने के बाद इसे कर दिया हमने ओके। नेक्स्ट में हम गियर वन को बुलाएंगे यानी कि पार्ट 1 हम बुलाते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो इसको इस तरह करके सिर्फ एक्सिस डिस्प्ले कर लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लें, बड़ा कर लें। यहाँ पे हमें पिन ज्वाइंट सेलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे पिन ज्वाइंट सेलेक्ट करना है। तो पिन ज्वाइंट के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, एक्सिस अलाइनमेंट और ट्रांसलेशन। तो एक्सिस के लिए हम पहले सेलेक्ट कर रहे हैं इस एक्सिस को, थोड़ा इसको जूम कर लीजिए और देखिए यहाँ पे इस एक्सिस दिखा, तो ये दोनों आपस में चल गए, यहाँ चलेगा, यहाँ पे दोनों आ गए। ट्रांसलेशन एक्सिस यहाँ पे आ रहा है तो उधर ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। यहाँ पे हम इस प्लेन को सिलेक्ट कर रहे हैं और इसको घुमा करके देखिए इस प्लेन को सिलेक्ट कर रहे हैं कि कोइंसिडेंट एक्टिव है, इसलिए कोइंसिडेंट ले रहा है। हम डिस्टेंस देंगे यहाँ पे मान लीजिए 30 दे रहा है, मैंने टोटल 50 डिस्टेंस लिया था, तो 30 देने पे ये फेस पे आ जाएगा पूरा अच्छे तरीके से, देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट पार्ट को हमको फिर बुलाना है, तो पार्ट 2 है हमारा, इसे ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे चल के पिन सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर ले, एक्सिस मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, इनकी एक्सिस को सिलेक्ट करना है, ये चले गए। फिर इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस देना है, तो डिस्टेंस दे देते हैं हम इसको पिछले की तरह 30 और इसको करते हैं ओके।
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि यहाँ पे सही से नहीं दिख पा रहा है, इसको हम पहले करेंगे शेडिंग विथ एजेस और थोड़ी सी इसकी कलरिंग कर लें जरा, इसको इस रंग से रंग दिया जाए और इसको इस रंग से रंग दिया जाए ताकि ये विजिबल हो सके, अच्छी तरीके से दिखाई दे। चाहिए अब हम चलते हैं इस एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में हम चलेंगे मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म्स में पहले हमको स्पेसिफाई करना होगा कि ये दोनों गियर्स हैं, तो गियर्स के लिए चलेंगे यहाँ पे गियर्स। यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखना है, सबसे पहले हमको मोशन देना होता है कि किस एक्सिस से ये यहाँ से वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पे गियर वन सेलेक्टेड, देखिए गियर टू एंड प्रॉपर्टीज, तो गियर वन यहाँ पे पहले सेलेक्टेड है, मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा पहले, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ गियर टू, और गियर टू में हमको सेलेक्ट करना है इसकी मोशन एक्सिस। देखिए मैसेज एरिया में भी यहाँ लिखा हुआ है कि सेलेक्टेड मोशन एक्सिस, तो आप आकर के इसको सेलेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर प्रॉपर्टीज में चलेंगे, तो प्रॉपर्टीज में पूछ रहा है कि पिच सर्कल डायमीटर, तो हम बोलेंगे कि हम देंगे पिच सर्कल डायमीटर। तो पिच सर्कल डायमीटर जैसे कि आप पहले नोट कर चुके हैं कि छोटे वाले को मैंने पहले सेलेक्ट किया था, ये डी वन है, तो डी वन यानी कि पहले वाला था, इसका पिच सर्कल डायमीटर 120 है, तो 120 इसका पिच सर्कल डायमीटर। इसका पिच सर्कल डायमीटर 200 और इसका पिच सर्कल डायमीटर 120, यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे गियर का सिंबल आ चुका है दोनों में, इसका मतलब हमारा गियर जो है स्पेसिफाई हो चुका है कि ये दोनों गियर है। गियर के बाद हम चलते हैं सर्वो मोटर में, सर्वो मोटर यूज करेंगे। तो सर्वो मोटर मान लीजिए मैं इस छोटे वाले में यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे पूछ रहा है पहले कि मोशन एक्सिस सेलेक्टेड है, तो मोशन एक्सिस सेलेक्ट यहाँ से कर लेंगे इस तरीके से, पूरा स्पेसिफाई हो गया कि इसको रोटेट कराना है। फिर चलेंगे यहाँ पे प्रोफाइल में, प्रोफाइल में हमें देना है वेलोसिटी और यहाँ पे हमको देना है कि कितना डिग्री पर सेकेंड, तो बस धीरे धीरे घुमाना है, तो देते हैं इसको 100 डिग्री पर सेकेंड, इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी रोटेशन भी आ चुकी, मोटर भी दे दिया हमने, गियर स्पेसिफाई कर दिया। इसकी मैकेनिज्म एनालिसिस कर लेते हैं, तो मैं इसे बोलता हूँ कि 100 सेकेंड या 1000 सेकेंड तक इसे आप रोटेट करें और इसे रन कर दें, तो इस तरीके से। यहाँ से इसे कैंसिल कर लेंगे, इस तरीके से कैंसिल करके आप क्लोज भी कर सकते हैं। आप यहाँ सोच रहे हो कि तो यहाँ पे इंटरफेस जैसा आ रहा है, इस तरीके से मिला हुआ है, तो इसको आप ड्रैग करके किसी एक को या उसको असेंबली के समय ही इसको ड्रैग करके या रोटेट करके उसको पीछे की तरफ ले सकते हैं। यहाँ पे हिजा कैसे कर सकते हैं इसको, इस तरीके से ओके कर दिया गया। फिर आप एप्लीकेशन में जा करके, मैकेनिज्म में जा करके इसको सिमुलेट कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से यह सही है, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। देखिए इसको फिर से हम थोड़ा इसको रन कर दें, इस तरीके से चलेगा। अब देखिए आसानी से यहाँ पे दिख रहा है, कोई इंटरफेस नहीं है यहाँ, तो उससे पहले ही कर सकते हैं। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू।